भोपाल से कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना से जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस हटाई जाएंगी, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अभी सभी आयोजन सामान्य रूप से ही होंगे, गृह विभाग जल्द आदेश भी जारी करेगा। तो कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, आपको जानकारी दे। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, बड़ी खबर, कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी सारी पाबंदियां जो है वो हटाई जाएंगी, लोगों के लिए राहत। तो लगता है शब्बीर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कोरोना से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइंस लगी हुई थी उनको अब हटाया जाएगा, आदेश भी जारी किए जाएंगे। गृह विभाग जल्द ही आदेश इसको लेकर जारी करेगा। आपको जानकारी दे दें, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी कोरोना से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइंस थी, अब उससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना से जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस हटाई जाएंगी। गृह विभाग इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी करेगा। वहीं अब सभी आयोजन जो है वो सामान्य रूप से हो सकेंगे, लोगों के लिए राहत वाली खबर है। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, कोरोना गाइडलाइन को लेकर कोरोना गाइडलाइन जो है वो अब हटा दी जाएंगी, लोगों के लिए राहत भरी खबर। बिल्कुल अंजलि, राहत की खबर कहेंगे, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने से ये बोल सकते हैं कि कोविड गाइडलाइन को लेकर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध थे, चाहे वो शादी को लेकर हो या फिर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को लेकर हो या रैली को लेकर हो। लेकिन आज समीक्षा बैठक करी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे इस समीक्षा बैठक में। दोपहर 12 बजे के करीब यह बैठक हुई थी और बैठक में निर्देश दिए हैं कि अब राहत को पूरी तरीके से, जो कोविड गाइडलाइन को लेकर प्रतिबंध था उसमें अब कुछ छूटें दी जाएंगी और छूटें। और इससे यह साफ हो गया है कि अब जो प्रतिबंध लगे हुए थे, शादी में लगे हुए थे, अंतिम संस्कार को लेकर लगे हुए थे, धार्मिक आयोजन को लेकर लगे हुए थे, सियासी तौर पर राजनीतिक रैलियों को लेकर लगे हुए थे, तो अब उसके अंदर छूट दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी कोविड गया नहीं है, हमें अभी भी सतर्कता रखनी है। लेकिन अभी भी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है कि अभी ऑफिशियल तौर पर कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या क्या छूटें और दी जा रही है। क्योंकि जैसे रात के कर्फ्यू की बात की जाए, रात का कर्फ्यू मध्य प्रदेश के कई जिलों में लागू है, तो क्या उसमें भी राहत दी जा रही है और भी क्या? बिल्कुल राहत वाली खबर जो है वो सामने आई है। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।